नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कन्नौज में प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई स्टाफ नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही सदर SDM समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का जिला अस्पताल में ही PPTC काउंसलर के पद पर कार्यरत थी। सदर कोतवाली के आटी गांव निवासी सुनीता 36 पत्नी रामस्वरूप जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात थी। मंगलवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। थोड़ी देर बाद नर्स की मौत हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी होते ही SDM सदर गौरव कुमार, CO सदर शिव कुमार सिंह, CMO डॉक्टर कृष्ण स्वरूप, CMA डॉक्टर शक्ति बासु मौके पर पहुंच गए। काफी समझाने के बाद परिजन शांत हुए। मृतका के पति राम स्वरूप ने बताया कि सुबह प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, उस दौरान वो ठीक थी। इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हो गई। बाद में जिला अस्पताल चौकी इंचार्ज पंकज यादव ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। CMS डॉक्टर शक्ति बासु का कहना है कि नर्स की झिल्ली में पानी ज्यादा था, झिल्ली फटने से उसकी मौत हुई है। रिपोर्टर सूरज सिंह की खास रिपोर्ट। सुनीता, ये आप कौन हो? भतीज बहू। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ घर से लेके आए तो सही थी, ठीक है। अब यहाँ हमने कहा देखो, ड्यूटी पे थी, कोई दिक्कत नहीं थी, है। और जब हमने कहा देखो, कह रहे टू फिंगर लूज है, थोड़ा बच्चा ऊपर पे है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात, इन्होंने बोतल लगाई, बोतल लगाने के बाद 10 मिनट टेबलेट खिलाया है। टेबलेट खिलाने के बाद फिर इनको बेहोश हो गई है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मोहित सर को बुलाया, वो भी आए तुरंत कल, है ही नहीं कुछ। लापरवाही से हुआ है, तब तक स्टाफ होके हुए नहीं बचा पाया तो किसको देखेंगे, ये बताइए। अधिकारी कुछ बोला? कुछ नहीं था यहाँ पे, कोई नहीं था, कुछ नहीं बोल रहे। सीमस कुछ नहीं कहा, सीमस ने कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे ये बताओ, कहाँ जाएंगे बच्चे? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा नाम राम रूप है। आप हम अश्वेर नैन के। अरे मेरी मैडम है सुनीता ऑन ड्यूटी पे थी, सुबह लेके आया, सब ठीक थी, बातचीत हुई सब कुछ। अब यहाँ भर्ती किया, इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, एकदम पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यहाँ की लापरवाही से सब हुआ है। किसकी लापरवाही? यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से। अस्पताल में ही कार्य कर रही थी? जी हाँ, अस्पताल में ही कार्य कर रही थी, ऑन ड्यूटी पे भी थी। हाँ, सब बातचीत की, सब कुछ थी, पता नहीं इंजेक्शन लगाया तब से कोई दिक्कत हो गई, एकदम पता नहीं क्या। जच्चा बच्चा दोनों की? जी दोनों को, जो दोनों के हो गई। अधिकारी क्या बता रहे हैं अभी? अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई आया नहीं, बाद में आए, जब खत्म हो गए तब आए, बाद में देखने, कुछ बताया नहीं। तो हम बाहर ले जाते, अगर कुछ बता देते तो बाहर ले जाते, कोई अगर ऐसी स्थिति होती तो बताते थे, हम तुरंत बाहर ले जाते। हाँ, यही काउंसलर की पोस्ट पर ड्यूटी कर रही थी। ये सुनीता हमारी ICTC काउंसलर थी, इनका जो है डिलीवरी था, ये थर्ड डिलीवरी था इनका। और सुबह जब इनका, जब ये डिलीवरी के लिए ऊपर 7:45 पे पहुंची हैं, उसके बाद अचानक से मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है, और उसके बाद संभवतः एम्बोलिज्म हो गया, जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये इनकी थर्ड डिलीवरी थी, ऐसा भी वो था कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि बाकी दो डिलीवरी नॉर्मल ही हुई हैं। तो ये दुखद एपिसोड हुआ है, और अभी इनका जो है ये परिजनों का वेट किया जा रहा है, इनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और परिजनों के वेट किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन से इसकी मृत्यु हुई है? नहीं, जो मुझे सूचना है ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जब रिवाइव करने के लिए, और जो मतलब जब कंडीशन लो होती है तो रिवाइव करने के लिए जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं वो दी गई होंगी, लेकिन मेरे जानकारी में ऐसा कोई नहीं है।